इमरान खान खुद ही माइनस वन की इत्तला दे रहे हैं, माइनस वन या टू मसाइल का हल नहीं। वज़रा कह रहे हैं माइनस वन हुआ तो फिर जमहूरियत नहीं रहेगी। हमारा सवाल है जमहूरियत है कहाँ? लीग रहनुमा साद रफीक की घन गरज, बोले चीनी आटा और पेट्रोल बहरान पर अरबों रुपए का डाका डाला गया, पीआईए का सवा सत्यानाश कर दिया गया। किसी जमात को तोड़ने के हक में नहीं हूँ, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। खुद ही वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि माइनस वन होगा नहीं होगा, हुआ भी तो फिर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के माइनस वन करवा के ये बच जाएंगे। माइनस वन होने के इम्कान हैं, इसकी तस्दीक खुद वजीर आजम की तकरीर ने की। माइनस वन हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। उनके वज़रा ये फरमा रहे हैं कि अगर माइनस वन हो गया तो फिर जमहूरियत नहीं रहेगी। हमारा सवाल ये है कि जमहूरियत है कहाँ? ये एक जाली जमहूरियत है जो पाकिस्तानी कौम को दी गई है। जमहूरियत ऐसी होती है, महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। कोरोना तो 3 महीने पहले आया है, उससे पहले तबाही मुकम्मल हो चुकी थी। ताज़ा तरीन बौनी मारी है इनके वजीर हवाबाजी ने, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुसवा करके रख दिया। पीआईए का पहले ही सत्यानाश हो चुका था, इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया। असल फिक्र इस बात की है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये तो सारी अपोजिशन को चोर कहते थे और खुद डाकू निकल आए। इमरान खान को गिराना तो फिर उसके बाद क्या करना है, ये भी इस पर सोचना पड़ेगा।